हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मकर संक्रांति पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन तिल की बर्फी, लड्डू, मूंगफली, गुड़, रेवड़ी, गज्जक, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट पकवान, पकौड़े आदि खाए जाते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाती हैं। सभी लोग, बच्चे और बड़े, पतंगे उड़ाकर बहुत खुश होते हैं। लोग यह त्यौहार बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।